रूस से भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम मिल गया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है। भारत इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स की खरीद कर रहा है। भारत को इस पर तकरीबन $5 अरब यानी 40,000 करोड़ रुपए का खर्च पड़ेगा। मोदी सरकार के नेतृत्व में हुई ये डील देश की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील मानी जा रही है। रूस भारत के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम का करार होने के बाद से चीन और पाकिस्तान बेहद परेशान है। चीन की चिंता ये है कि भारत के रक्षा तंत्र में S-400 मिसाइल सिस्टम के जुड़ने से भारत उसकी बराबरी कर लेगा, तो वहीं नापाक पाकिस्तान खौफ में है। एयर चीफ BS धनोबा की माने तो S-400 भारतीय वायुसेना के लिए एक बूस्टर शॉट जैसा होगा। भारत को पड़ोसी देशों के खतरे से निपटने के लिए लंबे समय से इसकी खासी जरूरत थी। S-400 मिसाइल सिस्टम एक ही राउंड में 36 वार करने और दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। इसके जरिए अब भारत पर दुश्मनों के हमले का खतरा खत्म हो जाएगा। बीते कई सालों से अमेरिका तमाम देशों को रूस और ईरान के साथ समझौता करने पर प्रतिबंध एवं अन्य तरह की धमकियां देता रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम का करार कर रूस और अमेरिका को ये संदेश भी दिया है कि भारत उन पर निर्भर जरूर है, लेकिन भारत किसी का दबाव नहीं स्वीकार कर सकता।